जोगिंदरनगर शहर में देर रात चोरों ने एक साथ 5 दुकानों के ताले टूटने से शहर के कारोबारी परेशान हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में नाबालिग से पूछताछ कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार रात को नाबालिग युवक ने शहर के 5 कारोबारियों कुलदीप कुमार, शिवांगी कम्युनिकेशन, लगवाल इंटरप्राइजेज, सनी साइकिल तथा अनिष्का पेंशन हाउस की दुकानों के ताले तोड़ दिए तथा कुछ दुकानों के सामान को भी नुकसान पहुंचाया है। पुलिस के गश्त दल द्वारा उसे पकड़कर उसे पूछताछ की तो नाबालिग ने अपना पता संयुक्ता जिला चंबा बताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर जोगिंद्रनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने कारोबारियों के साथ पुलिस थाना जाकर पुलिस से शहर में गश्त बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चोरों की इन घटनाओं से कारोबारी अपनी संपत्ति को लेकर परेशान है। गत रात्रि जोगिंद्रनगर शहर में एक संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा विभिन्न दुकानों के ताले तोड़े गए व कुछ दुकानों से सामान भी उठाया गया और नकदी वगैरह भी उठाई गई। इसको लेकर आज सभी व्यापारी जो है पुलिस थाना जोगिंद्रनगर में उपस्थित हुए और जिन व्यापारियों के संस्थानों में उक्त चोरी की घटना हुई है, ताले तोड़े गए हैं, उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र यहाँ थाना प्रभारी महोदय को सौंपे हैं और ये मांग की है कि इस प्रकार की घटनाओं पर जो है अंकुश लगाया जाए। हम सभी जानते हैं कि चुनावों का दौर चल रहा है और पुलिस की जो ड्यूटियां हैं वो विभिन्न जगह पर लगी है, लेकिन मेरा प्रशासन और SP महोदय से ये निवेदन है कि शहर में गश्त को जो है वो निरंतर जारी रखा जाए, क्योंकि ऐसे समय का उपयोग जो है ये संदिग्ध लोग जो है शहर में व्यापारिक संस्थानों में नकदी और उन ताले तोड़ने आदि ऐसी घटनाओं को जो है अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। तो सख्ती से जो है गश्त को बढ़ाया जाए और जिन व्यापारियों का जो ये नुकसान हुआ है और जो ताले तोड़े गए हैं, जो उनके संस्थानों से जो वस्तुएं उठाई गई है, उनको उन व्यापारियों को वापिस दिलवाया जाए, इसी मांग को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पुनः प्रशासन और पुलिस प्रशासन से ये मांग करती है कि सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में जो है ऐसी घटनाओं की जो है वो पुनरावृत्ति ना हो। इस प्रकार से हम ये निवेदन करते हैं। आपका फैसला के लिए जोगिंद्रनगर से कैलाश की रिपोर्ट।